हवालात का नाम सुनकर लोगों की तो हवा खराब हो जाती है, लेकिन अंकिता तो हवालात में हंसी का हंगामा मचा रही है। ना कोई जुर्म किया और ना ही कोई घोटाला, फिर भी अंकिता ने खुद को सलाखों के पीछे पहुंचा डाला। अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। मैं रोज बोलती हूँ एक ही चीज, मुझे लगता है मैं प्यार में अंधी हो गई, खानी हो गई, लूली हो गई, बहरी हो गई, लंगड़ी हो गई। प्यार बहुत खराब चीज है, इसे ना करे कृपया करके। तो बस यही प्रॉब्लम है। मैं अपने आप को बोला कि जेल में बंद करवा दो, गलती मेरी है। आप मुझे एफ आई आर कॉपी दिखाएंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी गलती क्या है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे यहाँ क्यों लाया? मैंने कुछ गलत नहीं किया। जी हाँ, प्यार की पहेली ने अंकिता को सिर्फ झटके ही दिए हैं। फ्रॉड तो अंकिता के पति नरेन की कंपनी में हुआ, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए सारा इल्जाम अंकिता ने अपने सर ले लिया। अभी मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था इनको इस वक्त, तो मुझे भी सीन ज्यादा समझ नहीं आया, बट कई बार होता है। मुझे आ गया समझ, गलती ये हुई है कि कुछ कंपनी में फ्रॉड हो गया है और उस कंपनी में फ्रॉड हुआ है जो कंपनी मेरे नाम पे है, तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती है जेल में जाने की। इसी ने की थी जब ये पागल था, अब इसे कुछ याद तो है नहीं, तो बस मेरे को 10 गालियां दी और चला गया फिर से। मैं तो अपनी इज्जत बचाते बचाते ही थक गई हूँ। कंपनी मेरी है, आप प्लीज मुझे अरेस्ट कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंपनी मेरे नाम पर जितने भी फ्रॉड हुए ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। झूठ तो मैं ऐसे जाऊंगा, नहीं। अंकिता ने पति को बचाने के लिए खुद को सलाखों के पीछे पहुंचा तो दिया, लेकिन नरेन ने उल्टा उस पर प्रॉपर्टी हड़पने का इल्जाम लगाया। अब ये सब अंकिता कैसे बर्दाश्त करती? भाई मियां बीवी की महाभारत तो अब कोर्ट में पहुंचने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अंकिता को सलाखों के पीछे से निकालेगा कौन? आप पागल भी? ये मुझे बचाएगा, मुझे जेल से निकालेगा। ये मुझे जेल से निकालेगा बाहर और मैं बाहर हो जाऊंगी फाइनली। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है आई गेस कि मैं प्रेग्नेंट होने से पता नहीं, और अब इसने तो मुझे जेल भी भेज दिया, मुझे रूखी सूखी रोटी खानी पड़ेगी। वो एक बड़ा ट्विस्ट है कि मुझे इतना गंदा खाना खाना पड़ेगा, पतला सा बेबी पैदा होगा और एकदम मरियल सा बच्चा होगा, वो भी 4 दिन में। जी हाँ, अभी तो ट्विस्ट आने की शुरुआत हुई है, अभी तो अंकिता नरेन के बीच तलाक की घंटी भी बजने वाली है। साधना, मुंबई, आज तक।